तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम खेलने जा रहे हैं एक और न्यू हॉरर गेम और इस गेम का नाम है स्नोमैन 2। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट जाओ और देखो भाई साहब, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। जो इस गेम का पार्ट 2 है इसके अंदर भाई साहब अलग ही स्केप है। मतलब हम स्नोमैन सिटी में फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलने के लिए भाई मेरे को बनना हुआ स्नोमैन। अगर हम इंसान बने हुए निकलेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि भाई जहाँ से हम स्केप करने वाले हैं वहाँ पर बहुत बड़ी एक गन है जो कि सिर्फ स्नोमैन को ही बाहर जाने देती है और इंसानों को फोड़ देती है। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों इस गेम प्ले को कम्प्लीट जरूर से देखना और पसंद है तो लाइक कर देना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि इसी मजा और गेम प्ले फनी गेम प्ले आप डेली देख सकते हो चैनल पर। लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ पर गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है और स्टार्ट होते ही भाई साहब मेरे हाथ में शॉर्ट गन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्नोमैन घूम रहे हैं और इनको मार मार के मेरे को आगे बढ़ना होगा, वरना यार ये मेरी बैंड बजा देंगे। ओके तो लेट्स गो। अभी हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर, आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ से हम स्केप करने वाले हैं। और दोस्तों डायरेक्ट स्केप क्यों नहीं कर सकते, इसकी भी एक वजह है जो कि मैंने आपको इंट्रो में बता दी है। और यहाँ पर है बहुत बड़ी गन यार, इससे बच के मेरे को जाना होगा और इसीलिए मेरे को बनना होगा यार स्नोमैन, क्योंकि ये गन मेरे को जाने देगी नहीं बिना स्नोमैन बने हुए। तो लेट्स गो। सबसे पहले हमें जाना होगा सिमेट्री, जो कि सिमेट्री का रास्ता यहीं पर था ना भाई। ओ यहाँ पर स्नोमैन भी जा रहा है, रुक जा तेरे टट्टी निकालता हूँ, हेड ही लूंगा तेरा। तो चलो यार काम खत्म। और भाई साहब स्नोमैन बनने के लिए मेरे को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। यहाँ पर है चर्च। ओके यार मेरे को चर्च नहीं जाना है, सबसे पहले मेरे को जाना है सिमेट्री। ओ भाई 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 यहाँ पर इतना बड़ा स्नोमैन, ये स्टैचू है ना, बड़ी इसकी आँखें यार लाइट कर रही है। वेट, ओ मेरे को कुछ गड़बड़ लग ही रही थी भाई, मैंने जैसे ही उधर देखा इसने मेरी तरफ देख लिया। भाई भाई यहाँ से निकलो यार, यहाँ से फटाफट से निकलो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलो पहले। ओके तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके, बट यहाँ पर स्नोमैन जा रहा है। वेट यार इसको पहले फोड़ दो। वेट, अरे पीछे देख ले पीछे, अबू खड़े पीछे यार। चलो यार सिमेट्री तो मैं फाइनली पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर पहुँच के मेरे को देखना पड़ेगा। वेट यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया, मतलब यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है ना। हेलो, ओके यार कुछ नहीं है। और यहाँ पर इस दरवाजे को खोलने के बाद यहाँ पर एक स्टार बना हुआ है जो कि यार मतलब जादू वादू किया करते हैं, और इसके अंदर मेरे को कुछ पांच चीज़ें रखनी होगी और वो पांच चीज़ें कौन सी होने वाली है ये मेरे को पता लगाना पड़ेगा। वेट, ये डॉक्यूमेंट इसको पढ़ते हैं। हेलो यू ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्नोमैन फॉर ए शॉर्ट टाइम। ओके थोड़े टाइम के लिए सही, मेरे को बनना यहाँ से निकलने के लिए बनना पड़ेगा। रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स, ओके मेरे को पांच चीज़ें चाहिए और वो पांच चीज़ें हैं ब्लैक फ्लावर, स्नोमैन ब्लड और फिलोसोफर स्टोन, ओके रोटन एप्पल और क्रिस्टल। ये पांच चीज़ें मेरे को चाहिए भाई, और ये पांच चीज़ें मेरे को कहाँ कहाँ से मिलने वाली है ये मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है। वेट यहाँ पर ये क्या, ब्लैक फ्लावर। ओ भाई भाई ये तो पास में ही रखा है भाई। द फ्लावर इज़ नॉट इट राइप। ओ इसको मतलब मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा तब जाके इसको मैं ले सकता हूँ। और भाई साहब मेरे को एक एप्पल चाहिए जिसको मेरे को पूरा सड़ाना पड़ेगा, उसका ब्लैक हो जाएगा ना तब जाके वो काम आएगा, मतलब जो रेड होगा या ग्रीन होगा वो हमें बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। और पहले तो यार ये सब चीज़ें मिल जाए तब जाके हमारा कुछ काम बनेगा। और वो मेरे को चीज़ें मिलने वाली है, सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा। वेट चर्च, मैंने चर्च में जाके देखा ही नहीं भाई। वेट मेरे को स्नोमैन ने मारा है क्या। हेलो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है यार, मेरे को जाना पड़ेगा चर्च, और चर्च जाने का रास्ता पीछे भाई। चर्च में जाके देखते हैं, क्या पता चर्च में से मेरे को कुछ मिल सकता है यार। मैं पहले गया नहीं था अंदर, क्योंकि भाई सबसे पहले मेरे को जाना था सिमेट्री, और सिमेट्री में जाके मेरे को पता चला है कि मेरे को क्या क्या चाहिए होगा स्नोमैन में कन्वर्ट होने के लिए। तो लेट्स गो। यहाँ पर एक ये क्या है, चलो यार ये मेरे को नहीं चाहिए अभी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो वेट कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटी सी लेडर है भाई। वेट और ये क्या है, स्नो डेकोए। ओ ये क्या काम कर सकती है हमारे लिए। और यहाँ पर भी एक लेटर है, इसको पढ़ने के वेट 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 इसको मेरे को बजाना होगा यार, और ये बजाऊंगा ना मतलब स्नो डेकोए, मतलब इसकी आवाज़ करूंगा ना भाई तो मेरे पास आएंगे स्नोमैन चल के खुद, जैसे कि यार सपेरा सांप को बुलाता है वैसे ही कुछ हम स्नो को भी बुलाने वाले इसको बजा के। ओके तो देखते हैं अभी यहाँ पर स्नोमैन आता है या नहीं। हेलो, दो तीन बार बजा दे लेकिन स्नोमैन यहाँ पर आया नहीं यार, ये आएगा भी या नहीं। वेट इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, अगर यहाँ पर स्नोमैन नहीं आएगा ना भाई तो मेरे को स्नो का खून नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बाई चांस बाहर मारूंगा स्नोमैन को तो उसका खून मेरे को दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। और अगर अंदर आ जाता है स्नोमैन चल के तो भाई साहब यहाँ पर स्नोमैन आने भी लग गए। ओके तो शॉर्ट गन को लॉक कर लो जल्दी से, और यहाँ पर मारूंगा ना तभी मेरे को स्नोमैन का खून मिलेगा भाई। ये थोड़ा अजीब है बट ये काम करेगा। ओ भाई भाई वापस मुड़ के कहाँ पर, अरे वो भाग रहा है भाई। फिर इसका खून निकला है क्या, नहीं यार इसका मेरे को खून नहीं मिला।
मतलब एक बार की और बजानी पड़ेगी मेरे को। ओके इसको आने दो, आ जा बच्ची, वापिस जा रहा था फिर से यार, मतलब इसको बजाते रहना है मेरे को यार। ओके ये अंदर आया, अभी बाहर नहीं जाने दूंगा तेरे को। और वो पीछे वाला आ रहा है, इसको भी शूट कर दे। ओके ये वो जा रहा है, उसको जाने दो यार। ओ भाई 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 वापिस आ रहे। अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, रुक जा यार। ओके फाइनली मेरे को स्नो का ब्लड भी मिल गया है दोस्तों। और स्नो का ब्लड मिलने के बाद मेरे को अभी भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए यार, चार चीज़ें और चाहिए। और भाई साहब जो स्टोन है, जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक स्टोन है फिलोसोफर स्टोन, और इसको बनाने के लिए भी मेरे को अलग से कुछ चीज़ें चाहिए होगी, तब जाके ये स्टोन बनेगा। और ये चीज़ बनाने के लिए भी मेरे को कहीं कहीं घूमना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें मेरे को इकट्ठा करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा काम कुछ बनेगा यार, आगे बढ़ेंगे। और स्नो बनने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया बहुत सारे पापड़ बेलने भाई मेरे को। चलो अभी इतना तो काम हो ही गया हमारा, अभी जल्दी जल्दी हम जाते हैं और दूसरी चीज़ें ढूंढते भाई। और मेरे को वैसे एक लेडर मिली थी, वो लेडर हो ना हो सीमेट्री नहीं लगने वाली है, क्योंकि वहाँ पर एक पेड़ था जहाँ पर उसकी लेडर टूटी हुई थी भाई, मैंने देखा था। और उस ट्री के ऊपर से शायद मेरे को कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्नोमैन भी है भाई, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, इनको बजाना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा। वरना ये आड़े आड़े आते रहे ना तो अपना काम तो भाई घंटा ही पूरा नहीं होगा। और चलो यहाँ पर लगाते हैं पहले तो लेडर, और लेडर लगाने के बाद हमें इन चारों पाँचों चीज़ों में से कौन सी चीज़ यहाँ पर मिलती है ये मेरे को देखना है। कुछ अच्छी चीज़ मिल जा, ये क्या है, वुडन प्लैंक। अरे यार इसका मेरे को क्या करना है, वेट वेट मेरे को याद आ रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा टूटा फूटा घर है वहाँ पर, और वहाँ पर शायद ये वुडन प्लैंक काम आ सकती है यार। तो अभी जल्दी जल्दी हम जाते हैं टूटा फूटा घर के पास, और वहाँ पर जाके ये प्लैंक लगाते हैं। और प्लैंक लगाने के बाद वहाँ से हमें क्या मिल सकता है वो मेरे को देखना पड़ेगा। ये राना भाई टूटा फूटा घर, यहाँ पर एक बस खड़ी है, शायद यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जो कि यार सभी मतलब इस सिटी में जो भी लोग थे मर चुके हैं, और यहाँ पर राज कर लिया है स्नोमैन्स ने। बट यहाँ से मेरे को भागना है, मैं अकेला यहाँ पर कैसे बच गया मेरे को नहीं पता, बट मेरे को यहाँ से अभी भागना है भाई। ओके यहाँ पर प्लैंक लगाने के बाद यहाँ से वेट यहाँ पर एक चाबी है भाई, ये चाबी लटक रही है, बट इसको मैं ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा हाइट पर है ना इसलिए। और इसको लेने के लिए मेरे को शायद यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। ओके अभी यहाँ पर भी एक स्नोमैन का स्टैचू है, लेकिन ये स्टैचू है भाई, मतलब इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक मशीन, वेट ये भी हिल रहा है भाई, मतलब चल क्या रहा है। वहाँ पर भी एक स्टैचू था, बट वो देखने में डेंजर था, ये टट्टी लग रहा है यार, मतलब दोनों हिल रहे। जैसे मैं इधर देखता हूँ ये मेरी तरफ देख लेता, ये देखो यार लाल लाल आँखें हो रही थी इसकी। अब तोड़ फोड़ के रख दूंगा मैं तेरे को, ये ले मेरे को देखेगा। चलो यार वैसे इसको कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ पर मेरे को एक क्रोबार मिला है, बट यहाँ पर एक मशीन है जिसका मेरे को हैंडल लगाना पड़ेगा, और हैंडल लगाने के बाद शायद वो चाबी यहाँ पर आ जाए भाई, ये मशीन खींच लेगी। और ये चाबी हो ना हो हमारा एस्केप करने का रास्ता है, जो केज है वहीं पर लगने वाली है 100%। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को क्रोबार मिला है, और क्रोबार से हमें एक छोटा सा घर है, झोपड़ी है, वो ढूंढनी होगी। और वहाँ पर एक दरवाज़ा खोला है, और उसके अंदर से मेरे को एक हैंडल मिलने वाला है, और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी मिल सकती है मेरे को। और वेट ये कौन सा, यहाँ पर भी कुछ मिल सकता है मेरे को, बट इसकी मेरे को चाबी चाहिए यार। और ये चाबी मेरे को कहाँ से मिलने वाली है इसका मेरे को कोई भी पता नहीं है भाई, और बहुत ही जल्दी पता लगने वाला है। वेट यहाँ पर तो मैं आके गया हूँ एक बार की, ओ ओ ओ यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, और इसके वाह इसके पीछे से मेरे को क्रिस्टल मिला भाई, और ये बहुत काम की चीज़ है। वाह मेरे को लगभग दो चीज़ें मिल चुकी है, स्नोमैन का खून और साथ ही साथ एक क्रिस्टल। वाह यार अपना तो काम बढ़िया, बट यार यहाँ पर बहुत सारे स्नोमैन आने वाले हैं मेरे को ऐसा लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर। वाह फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ इस छोटे वाले घर के पास, और इसको खोलने के लिए मेरे को चाबी की नहीं भाई, मेरे को क्रोबार की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको फटाफट से खोलो, इसकी कुंडी अंदर से लगाई हुई है, बट किसने लगाई मेरे को नहीं पता। अभी जल्दी जल्दी इसको खोलो, और इसके अंदर से मेरे को हैंडल लेना पड़ेगा, और हैंडल मिल गया भाई। तो हमारे पास चाबी भी ऑलरेडी आ चुकी है, और ये रही बकेट। वाह मैंने जो सोचा था वही हो भाई। ओके तो बकेट में मेरे को पानी भरना है, और ये बकेट में पानी इसलिए भरना है क्योंकि भाई हमने देखा था एक ब्लैक फ्लावर, और उसको मेरे को बड़ा करना है पानी डाल के, और पानी डालते ही वो बड़ा हो जाएगा और हमारे यूज़ में आ सकता है। तो लेट्स गो जल्दी जल्दी जाते हैं, और अभी मेरे को एक कुआं ढूंढना पड़ेगा। वेट यार मेरे आड़े मत आ, चल यार इसको मैंने कुचल दिया ऐसा लग रहा है। ओके तो यहाँ पर मेरे को कुआं कहाँ पर मिलेगा यार, पहले तो मेरे को जाना था टूटा फूटा घर, बट यार मैंने सोचा साथ ही साथ पानी भी भर लेता हूँ मैं, बट यहाँ पर कुआं तो नहीं है भाई। वेट यहाँ पर कुआं कहाँ पर हो सकता है यार, तो जल्दी जल्दी पहले वेट ये क्या है भाई,
चलो ऊपर चढ़ के देखते एक बार कि क्या पता यहाँ से भी कुछ मिल सकता है यार। मतलब जो भी जगह है ना, खास खास जगह है, वहाँ से मेरे को पक्का कुछ ना कुछ मिलने वाला है, मेरे को इतना तो पता है। ओके, इस बॉक्स के अंदर, इस चेस्ट के अंदर देखते हैं। इसके अंदर एक चाबी है और साथ ही साथ एक फर्स्ट एड है भाई। इन दोनों को फटाफट से लो और वापस अभी मेरे को जाना पड़ेगा। और मेरे को पता चल गया कि आस पास ही, भाई साहब मेरे को डैमेज लगा यार। ओके, कुआ भी हमारा यहीं कहीं होना चाहिए आस पास ही। ओके, ये रहा भाई, फाइनली मेरे को कुआ भी मिल चुका है। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर अभी पानी भरते हैं और अभी मेरे को जाना पड़ेगा फटाफट से टूटे फूटे घर के अंदर, वहाँ पर जाके हैंडल लगाना पड़ेगा। और हैंडल लगाने के बाद, ओ वेट, लेकिन वो जगह कहाँ पर यार। और उस पर हैंडल लगाने के बाद फाइनली हमारे हाथ लग जाएगी एक चाबी, और वो चाबी लगने वाली है पक्का एस्केप वाले, मतलब जो केज है वहाँ पर। और ऑलरेडी मेरे को चाबी और मिली है, और वो चाबी कहाँ पर लगने वाली है ये भी मेरे को पता है भाई, क्योंकि हमने एक फैन वाली झोपड़ी देखी थी, वहाँ पर भी चाबी की ज़रूरत थी भाई। और वहाँ से भी क्या पता कुछ मिल जाए हमें अच्छी चीज़, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाए। लेकिन वो टूटा फूटा घर, ओ ये राना भाई। चलो यार फटाफट से अभी यहाँ पर हैंडल लगा देते हैं, और केज को खोलने के बाद बाकी हमारा काम बचेगा, स्नोमैन बनेगा। और आधे से ज़्यादा वो भी काम लगभग हो ही चुका है, और स्नोमैन बन गए ना भाई, फिर हमारा एस्केप कंप्लीट। यहाँ पर अभी जल्दी जल्दी लगा देते हैं हैंडल और इसको घुमा देते हैं। वेट यार, यहाँ पर हैंडल हैंडल ये रहा ना भाई। चलो इसको लगाओ फटाफट से और इसको घुमाओ। ओके फाइनली फाइनली दोस्तों, यार अभी ये चाबी आ रही है क्या? मशीन तो चालू कर दी है, ये चाबी बहुत ज़्यादा स्लोली आ रही है, जल्दी जल्दी आ जाए तो भागे काम हम फटाफट से कर लें, बट कोई बात नहीं, आई गई यार। ये इतनी स्लोली स्लोली कैसे चल रही है यार मशीन। ओके फाइनली ये रही चाबी, इसको उठाओ फटाफट से और अभी यहाँ से कल्टी मारो भाई। अभी मेरे को जाना था झोंपड़ी, जो फैन वाली झोंपड़ी थी वहाँ पर, और उसकी चाबी ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, और वो झोंपड़ी यहीं आसपास ही होनी चाहिए यार। वेट, यहाँ पर ये रही। ओके फाइनली यार इसकी चाबी मेरे पास, ये रही ये चाबी यहीं पर लगने वाली है। तो लेट्स गो, इसको खोलो फटाफट से और अभी इसके अंदर से देखते हैं कि क्या मिलता है हमें, कुछ अनोखी चीज़ ही मिलना भाई। वो अल्कोहल और मतलब कॉपर, ये तीन चीज़ें मेरे को मिल चुकी है यार, और ये तीन चीज़ें काम आने वाली है, मतलब जो फिलोसोफर स्टोन है उसको बनाने में। चलो यार इनको फटाफट से ले लिया मैंने। अभी मेरे को एक फूल भी चाहिए होगा वाइट कलर का, जड़ी बूटी उसको समझ सकते हैं, और एक साथ ही साथ स्टोन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है भाई। तो इसको स्टोन को भी ले लिया मैंने। अभी मेरे को एक वाइट कलर की जड़ी बूटी चाहिए, और अभी मेरे को तो यार बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी, और वो वाइट जड़ी बूटी मेरे को मिलेगी यहाँ से चर्च में से। ओके यार ये रही, अभी फिलोसोफर स्टोन बन जाएगा हमारा, बट उसके लिए अभी देख लेता हूँ पहले कि क्या क्या चाहिए होगा। और ये रहा क्राफ्टन, और इसके अंदर मेरे पास, वेट यार स्टोन किधर है, ये रहा। इसके लिए मेरे को चाहिए एक ब्रांच, छोटी सी लकड़ी स्टिक, और साथ ही साथ एक पील्स जो कि मेरे को मिलने वाली है घरों में से। और अभी तो मेरे को यार एप्पल भी चाहिए होगा, एप्पल मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है, और साथ ही साथ मेरे को क्या पता पील्स भी मिल जाए। तो अभी जाते हैं, सबसे पहले मेरे को एक छोटी सी स्टिक चाहिए, और स्टिक भी मेरे को यार यहीं कहीं से मिल जानी चाहिए, बट मेरे को कहीं पर भी दिखी नहीं है, और क्या पता दिखी होगी बट मैंने ध्यान नहीं दिया। ओ ये रही ना भाई। चलो यार फाइनली मेरे को स्टिक भी मिल चुकी है, बट यहाँ पर स्नोमैन घूमा घामी कर रहे हैं भाई, तो फाइनली यहाँ पर मैंने स्टिक भी ले लिया। अभी जल्दी जल्दी जाते हैं घरों में, ढूंढा टांडी करते हैं, और मेरे को चाहिए पील्स और साथ ही साथ एक एप्पल, और ये दो चीज़ें मिल जाए ना भाई तो हमारा काम वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स 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 जल्दी से यहाँ पर चेक करते हैं भाई, खास करके फ्रीज में मेरे को चीज़ें मिलेगी मेरे को पक्का पता है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला यार, ये स्नो वैसे को बहुत घुमागामी कर रहे हैं सच्ची में यार, मैं इनको फोड़ दूंगा, बट यार मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ, मतलब माफ़ कर रहा हूँ यार। यहाँ पर भी कुछ नहीं, अरे यार घर वाले मतलब एक एप्पल नहीं रख सकते क्या यार, मतलब ये कुछ भी, मैं सोच रहा था मेरे को आसानी से मिल जाएंगे, बट यार इनको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मैंने लगभग दो घर छान मार लिए, बट इनके अंदर से मेरे को कुछ भी नहीं मिला। अभी यहाँ पर, ओह मेरे को फाइनली पील्स मिल चुकी है भाई, और अभी लास्ट मेरे को चाहिए एप्पल। तो दोस्तों आज इस गेम के अंदर हमने बहुत सारा काम कर लिया, बहुत सारी चीज़ें भी फाइंड कर ली है, और भाई साहब लास्ट अभी मेरे को चाहिए एक एप्पल ग्रीन वाला, वो मिल जाना तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बट ये गेम बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर चलाएंगे, और फिर लास्ट में हमारा एस्केप भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो आज के लिए बस नहीं, अगर आपको ये गेम प्ले पसंद आए तो भाई दिल से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि ऐसी मजेदार हॉरर गेम प्ले, फनी गेम प्ले आप डेली देख सकते हो चैनल पर। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई गेमिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।